दोस्तों, इस लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके वीडियोस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका गैस सब्सिडी नहीं आ रहा है तो आप क्या करें। दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी नहीं आती है, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आपके अकाउंट में आपका गैस सब्सिडी नहीं आता है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या करें कि आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी आना चालू हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके अकाउंट में आपका गैस सब्सिडी आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे करेंगे, वो तरीका क्या है, आप कैसे उस तरीके को अपनाएं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना पहले आपका ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो चलिए मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है माई LPG। तो चलिए मैं सर्च करता हूँ माई LPG, आपको ये सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे आ गया सर्च करने पे। तो आपको इस पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, LPG सब्सिडी पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, अभी ये खुल रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, इनमें से अगर आपका जो भी गैस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं भारत गैस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत गैस और HP गैस और इंडियन गैस, आप यहाँ पे तीनों गैसेस को देख सकते हैं। तो जो भी आपका गैस हो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं इंडियन पर क्लिक कर देता हूँ। जब उस पर क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं आप, ये खुल रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे खुल गए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी ये दोस्तों खुल रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हैं गैस का आइकन, आपको LPG जो लिखा हुआ देख सकते हैं, आप उस पर क्लिक करना है आपको। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लेंट डिटेल्स को यहाँ पे दिया है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है गैस सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, आपको यह लिखना है, और लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने क्लिक कर दिया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सब्सिडी रिलेटेड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सब कैटेगरी आपको खुलेगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कैटेगरी, आपको यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, या तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या आप यहाँ पे LPG ID यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे I am not robot पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे I am not a robot आप इस पर टिक कर देना, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना वही गैस सब्सिडी नॉट, दोस्तों आपने लिख देना है गैस सब्सिडी नॉट रिसीव्ड, आपको लिख कर यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, जब आप इस पर सबमिट कर देंगे तो आपका कंप्लेंट हो जाएगा, और दोस्तों जब आप कंप्लेंट आप सबमिट कर देंगे, जब आपका हो जाएगा तो आपके अकाउंट में सब्सिडी आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, एक या दो दिन के बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी आना स्टार्ट हो जाएगा। आया दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन का कंप्लेंट भी करने का तरीका है। यदि आप ऑफलाइन कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
तो इसके लिए दोस्तों आपको गैस कनेक्शन कार्ड नंबर लगेगा, और आपका आधार कार्ड लगेगा, और आपके बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, इन सब का फोटो कॉपी लगेगा आपको। और इन सब का फोटो कॉपी लेकर आपको गैस कनेक्शन सेंटर पर जाना है, और वहाँ पे एक फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म मिलेगा इसके लिए, उस रिक्वेस्ट फॉर्म को भर देना है और इन सबको उसके साथ अटैच करके वहाँ पर जमा कर देना है। और दोस्तों इस तरह आप ऑफलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और इस ऑफलाइन भी आप आग्रह कर सकते हैं उस सब्सिडी के लिए, और दोस्तों आपके अकाउंट में सब्सिडी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।